वो किधर रहता है और वो क्या है और उसने मैंने बताया था कि वो रहता है लिबर्टी सिटी में और वो काफ़ी अमीर बन है उसने हमें बताया था जैसे कि आप लोगों को याद है फिर हमने उसको गोली गोली मार दी थी वो वीडियो लिंक जिसको मेरे जगह चेकआउट कर सकते हैं पूरी वीडियो अगर आपने देखनी है तो बड़े मज़ेदार वीडियो बन हुई थी वो और इसमें मैंने शोरूम भी परचेस कर लिया था अपना और ये आप लोग देख सकते हैं हंडाई करेटा दो हज़ार चौबीस मॉडल है चौबीस से सॉरी हाँ चौबीस शायद है ये लेटेस्ट वाली आई है करेटा ठीक है जो मैंने गेम में डाल लिया है और ये आज हम लोग जो है ना हम पर्सनली पर्सनली मतलब अभी आ, थोड़े दिन तक यूज़ करेंगे कि क्रेटा फिर इसको बेच देंगे फिर कोई और नई गाड़ी इस तरह ही चलता है हमारा सीन जैसे यही अच्छी गाड़ी लग रही थी इसकी स्पीड स्पीड भी अच्छी है मैं भी प्ले वैंशन में आया हुआ था मैंने कहा उधर एक राइट स्टे करने आया हुआ था और आप लोग देख सकते हैं दाढ़ी और बाल भी छौचे खाँचे हो गए और ये कुछ लोग आए हुए यहाँ पे अमीर ममीर उनकी विंटेज कार्स खड़ी हुई बड़ी अच्छी किस्म और आज हमने क्या काम करना है आज हम लोगों ने लिबर्टी सिटी जाने की तैयारी करनी है और हम लोग साथ लेकर जाएंगे ट्रैवल लेस्टर फ्रैंकलिन और एक साथ अपने फुल बॉडी का प्रोटोकॉल्स लेकर जाएंगे हम लोग अपना अपना खुद का प्लेन बुक करेंगे तभी तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं ना जरा सा आप लोग सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें कमेंट कर दें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें बेल आइकन को दबाना मत भूलना यार कमेंट भी कर दिया करें जबरदस्त और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें यार सब देख लिया करो वीडियो को यार चिड़ चढ़ती है यार ये देखिए इंटीरियर आप लोग इसका देख सकते हैं स्पीड अच्छी खासी देख लिया आपने इंटीरियर कितना लग्जरी है यार वहाँ बड़ी अच्छी गाड़ी निकाली होंडाई कराटा होंडाई वालों ने स्पीड काफी अच्छी खासी है ऐसी व्यू वही है ऐसी उस हिसाब से बहुत जबरदस्त स्पीड है इसकी करेटा की ओरिजिनल हर चीज़ लगाई हुई है तभी हम लोगों ने जाना है किधर भाई साहब हम लोगों ने जाना है एयरपोर्ट पे अपने ओ भाई लो जी ठोक दिए और गाड़ी से भी छांग बैठते हैं कोई मसले है, वाली बात नहीं है यार होता रहता ही हमारे साथ इतना खासा डेंट तो नहीं आया पैंस क्यों ओरिजिनल गाड़ी पर डेंट मारा है ये मेरी हरकतें हैं गाइस आप लोग देख सकते हो रेयर व्हील है यार फ्रंट व्हील नहीं है तो आ जाए फोर बाय फोर रही है ये ये चेक करें यार आप लोग डेंट कितना जबरदस्त कसम का आ गया यार जो <laughs> ओरिजिनल गाड़ी पे अपने एयरपोर्ट पे जाने और उधर से एक बातचीत करनी हम लोगों ने ना हमारा एक दोस्त है पहले तो उसको उठाना है हम लोगों ने उसके घर से पिक कर घर से नहीं शायद वो कह रहा था कि बाहर ही होगा यार शायद उसके घर से मैं भी कॉल कर ही लेता हूँ उसको और उसको लेके जाने हैं हमने अपने एयरपोर्ट पे और उधर से प्लेन बुक कराना है और ट्रेवर और फ्रैंकलिन के साथ थोड़ी सी मीटिंग करनी है प्ले बॉय मैंशन में बुलाकर और पिक करने पहले उनको भी जाकर और ट्रेवर फ्रैंकलिन लेस्टर तीनों को पिक करना है सिक्योरिटी तैयार करनी है गन्स चंस तैयार करनी है पैसे रख लेनी है हर चीज़ की रेडी करनी है और कल हम लोगों को या कल शाम की फ्लाइट की टिकट करवानी है निकल जाना है और कल रात की करा लेते हैं परसों सुबह वहाँ पे पहुँच जाएंगे बट चार पाँच तो घंटे लगते ही हैं जाने में उधर पहुंचेंगे फिर हम लोग बट जबरदस्त बैंग होने वाला है मैं फोन कर लूँ उसको प्रोडक्ट तो फाइनली मैंने उसे फोन पे बात कर ली है और उसने अपनी लोकेशन भेजी है जहाँ पे मैं आपको पूछता हूँ ना फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ मुझे बताइए एग्जैक्ट लोकेशन इस बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा होगा शायद हाँ शायद नहीं क्योंकि बिनो यही है ना बिनको बिनको मुझे पता है देखा मेरा पेंशन भी इसके पास ही है इसको पता ही मैंशन वो खड़ा हुआ हो होगा सामने कह रहा है मैं बिल्कुल आपके एग्जैक्ट इस बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ और बहुत जबरदस्त फ्लैट लिया हुआ है अगले ने ये खड़ा है हाँ आ जाए भाई फटाफट यहाँ पे कार जरा उसके पास जाकर पार्क करता हूँ ना ताकि ये बैठे आता हाँ भाई आता फटाफट से बैठ यार टाइम नहीं है पीछे क्यों बैठ रहे पागल के बच्चे आगे आके बैठ सॉरी सॉरी यार बदतमीजी नहीं करनी है दोस्त अपना बदतमीजी नहीं होनी कैसा है हैं ठीक है जिगरे चलते हैं यार इसमें इस रास्ते में बातचीत करूंगा इससे एयरपोर्ट पहुंचता हूँ ना और फिर आप लोगों से मिलते हैं हाँ तो भाई लोगों फाइनली मैं एयरपोर्ट अपनी गाड़ी को बहुत जबरदस्त तरीके से भगा था वो पहुंच चुका और इधर से हम लोगों को लेनी होगी एंट्री जो कि थोड़ी सी मुश्किल लग रही है लेकिन हम लोग तोड़ फोड़ी करके निकलेंगे चल 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 यार दरवाजा खोलो फटाफट <laughs> गार्ड ने तो देखा ओ गार्ड देख रहा है यार देख रहा है सॉरी भाई गार्ड भाई गार्ड भाई ओ, ओ भाई 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 पहुंच चुके है अंदर अपनी गाड़ी बड़ी ठुकी भी गंदी लग रही है यार पता ना जानी फिर प्लेन किधर है भाई लोगों ये प्लेन इस बंदे के पता नहीं किधर चले गए हैं ओह वो खड़े हुए शायद वही है ना हाँ हाँ वही है यार इस बंदा लगता थोड़ा सा गरीब है पता नहीं बालास गैंग का को कोई ओ, मेंबर लगता है जिस तरह तो किस तरह तो ड्रेसिंग की हुई है लेकिन उसके प्लेन आप लोग चेक करें यार मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करना ही पड़ेगा या कार में बैठ की ये भी तेरा नहीं है ये नहीं इसका ये खड़ा हुआ बता रहा है एक प्लेन यूएस का फ्लाई ये भी अच्छा खासा एक प्लेन है जिसमें बंदे आते थे और एक ये प्लेन खड़ा हुआ है जो कि उससे थोड़ा सा आप मॉडल है या बराबर का और ये थोड़ा सा बड़ा प्लेन है उससे अच्छा खासा जेट है और इस तरफ का बता रहा है कि इधर एक प्लेन खड़ा हुआ है ये यार ये तो बहुत छोटा नहीं नहीं भाई भाई हम लोगों ने तमाशा तो नहीं दिखाना ना पाक फोर्ज का गोल्डन प्लेन कह रहा है आप लोगों के लिए खड़ा किया हुआ है मैं उतर के देखो बहुत आराम से करनी गाड़ी उतरते हैं कह रही गोल्डन प्लेन इसने बताया कि आप लोगों के लिए मैंने ये गोल्ड प्लेन खड़ा किया है यार बहुत जबरदस्त लग रहा है ये तो एक ये गोल्ड प्लेन खड़ा हुआ है और एक वो वाला प्लेन यार वो गोल्ड प्लेन ज्यादा सही लग रहा है मेरे ख्याल से गोल्ड प्लेन थोड़ा सा छोटा है वो वाला बड़ा है थोड़ा सा ये वाला लेकिन गोल्ड प्लेन की लुक अच्छी आ रही है और ये बता रहा है कि ये चला भी इतना नहीं है ना मतलब आपको खतरा भी नहीं होगा क्रैश फ्रैश का क्रैशिंग का इतना खतरा नहीं होगा ये अच्छा खासा चला आप इसमें मतलब प्रॉब्लम आ चुकी हैं वैसे इससे मैं आपको ये नहीं दे रहा हूँ वो दोनों भी आप लेके साथ लेकिन वो दोनों घटिया लगने की प्लेन गोल्डन वाला मैं लेके जाऊंगा यार मैं इससे बात करता हूँ कि इसकी कितनी चार्जेस चार्जेसार्जेस होंगे और फलाना फलाना फिल्म आपसे मिलता हूँ फलाना फिलाना फिल्म तो फाइनली काज मैंने इस बंदे से बात कर चुका हूँ कि इस प्लेन के कितने कॉस्ट होंगे और ये बता रहा है कि अगर आप इसको वन वीक के लिए लेके जाएंगे तो इस प्लेन का टेन थाउजेंड डॉलर होंगे और अगर आप वन मंथ वन के लिए लेके जाएंगे एक महीने के लिए उसके पचास हजार डॉलर आप लोगों को तो पे करने पड़ेंगे तो ये तो काफी थोड़ा रेंट मांग रहा है उस हिसाब से मैं समझा के पचास हजार एक महीने का मांगी गोल्ड प्लेन है लेकिन उसने हमारे दोस्त होने की खातिर कर लिया लेकिन हमने इससे वन वीक का ये प्लेन बुक कर लिया है इसे मैंने एक बुक कर लिया वन वीक का निकलते हैं अब यहाँ से प्लेन तो हमारा डन हो चुका है प्लेन यार आप लोग देख सकते थे तो बहुत ज़बरदस्त मिल गया और बहुत कम कीमत पे हमें प्लेन मिला यार तो अभी आज शुक्र है आगे बैठ गया मैंने इसको थोड़ी सी सुना दी थी इसलिए आगे बैठ ही गया ये एक डोना ही मार लेते हैं कार्ड से और ये प्लेन हमें उस हिसाब से बहुत कम पड़ा बाकी जो दो वो वाला प्लेन मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था क्योंकि उसमें थोड़ी सी पेस्टी ज्यादा थी और इंजन इंजन बड़ा था बड़ा प्लेन था लेकिन देख सकते हैं ना फिर अपनी लाइफ भी तो हम लोगों ने स्कीयर भी तो सही होती है ना ये ये सबसे छोटा प्लेन था लेकिन ये हमें नहीं चाहिए था वो गोल्ड प्लेन हमारा खड़ा हुआ है वो बुक हो चुका है अभी हम लोग जाएंगे उसी गोल्ड प्लेन में निकलते हैं एयरपोर्ट से और इस बंदे को मैं इसी के घर पर वापस छोड़ देता हूँ या मैं इसका नौकर नहीं हूँ बाबू का कि मैं इसको वापस छोड़ू इधर से भी हम लोगों ने मुड़ना शायद हाँ इस जगह से नहीं इधर से ही मुड़ना है ना पीछे वाले गेट से मुड़ जाएंगे यहाँ से यहाँ से या ध्यान से ध्यान से ध्यान से पीछे वाले गेट से था पीछे वाले गेट से तोड़ाफाड़ी करने की जरूरत नहीं आराम से निकल जो मैं इसको ना ड्रॉप कर देता हूँ इसकी बताई हुई लोकेशन पे यार क्योंकि इसके घर थोड़ा दूर पड़ता है या अपने मैंसल के पास चल देते हैं उसको वहीं पे ड्रॉप कर देगा वहाँ से पैदल चला जाएगा और ड्राइवर ऑफ फ्रैंकलिन को भी उधर कॉल करके बुला लेते हैं मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ भरा भर से इधर चलते हैं और ड्राइवर ऑफ फ्रैंकलिन को भी बुला लेते हैं इधर से अभी हम लोगों ने ऊपर चलना है मैं फ़ोन कर देता हूँ ड्राइवर को फ्रैंकलिन को कि तुम लोग पहुँचो यार ऐसा फर्क फट यार मैं घर पर पहुँच चुका हूँ शाम भी होने वाली घाट पहुँचते पहुँचते लेकिन ड्राइवर और फ्रैंकलिन अभी तक नहीं आया और ये दोनों गाड़ियाँ नहीं अभी तक गई हैं यार पता नहीं क्या कर रहे होते हैं अगर इनको रेंट पे दे ही दिया है तो, प, तो ऐसी पता ऐसे पता नहीं ख़त्म करना पड़ेगा रेंट वाला सिस्टम ना ये अपनी प्राइवेसी भी ख़राब होती है भैंस की टांग गोली भी नहीं है जो मैं चला पाऊँ मैं ट्रैवल फैंस इनका इंतज़ार करता हूँ तो यार बग़ैरथ्यों का इंतजार करते करते शाम घंटा डेढ़ खड़ा मैं इंतजार करता रहूँगा अभी मैं बाहर आया हूँ तो यहाँ पर ये लोग खड़े अपनी हजतबबाजियाँ कर रहे हैं है? और ये गाड़ियाँ किसकी लेके आए हो गाड़ी शाड़ी वैसे उसकी बड़ी महंगी गाड़ी लेके आए हैं यार पता नहीं किसकी चुरा के लेके आए हैं क्या है और अब मैं इनसे तरह बात शात करता हूँ मीटिंग शीटिंग कि हम लोगों को जो चीज़ें करनी है और मैंने लेस्टर को भी कॉल नहीं की है उसको भी बताना है कि हम लोगों ने कल निकलने बताया तो वैसे मैंने थुआ है और गन्स के मैंने उसको हर चीज़ उसको दी हुई है कि तू संभालेगा गन शन और पेमेंट शेमेंट मैं अपनी सब अपनी अपनी पेमेंट लेकर जाएंगे क्योंकि सब का उसमें हक है क्योंकि वो सही दोनों भी तो घूमने जा रहे हैं ना हैं फ्रेंकलिन बताया शोरूम का शोरूम वाली वीडियो जो सेल हो गई थी आए छोड़ो यार अब इसको बेचारी के कसूर थे आई होप आप लोगों को वीडियो चली वीडियो चली वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना शेयर कर देना अगली वीडियो देखना मत भूलना जिसमें हम लोग ट्रैवल करेंगे बड्डी सिटी के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक बाय बाय